हम सूजी का इंस्टेंट पिज्जा बनाएंगे। और वो भी पैन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए मैंने 1/4 कप दही लिया है। इस कप से मेजर किया, ये कप का 1/4 पार्ट है, तो 1/4 कप मैंने दही लिया और 1/2 कप मैंने सूजी लिया, मींस इसका डबल मैंने सूजी लिया। और सूजी जो है नॉर्मल है, जिसे आप जनरली यूज़ करते हैं हलवा वगैरह बनाने के लिए। और 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया है। तो अब हम इस नमक को इसके अंदर डालेंगे, सूजी के अंदर, और दही को भी ऐड कर देंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसका एक थिक बैटर बनाना है। हम पानी को बहुत कम यूज करेंगे। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, जितना मैंने दही लिया लगभग उतना ही हमने इसमें पानी ऐड कर लिया। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। हम अपने बैटर को देख लेते हैं। बैटर हमारा थिक हो गया, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। अब मैं इसके अंदर 1/3 टीस्पून इनो ऐड करूंगी और इस पे बिल्कुल थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। अब हमें इसे हल्के हाथों से मिलाना है, बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं हिलाना है इसको। आप देख सकते हैं बैटर हमारा फूल गया। तो चलिए अब हम इसे पैन में बनाएंगे पिज्जा को। फ्रेंड्स, ये मैंने पैन लिया है। पैन के नीचे मैं गैस को ऑन कर दूंगी। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी ताकि पैन को अच्छे से ग्रीस कर सके हम। हमें इसके अंदर बनाना है पिज्जा। अब हम अपने बैटर को इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। अब हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसे ढक देंगे और 4 से 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। तब तक मैं बता देती हूँ मैंने इसके पिज्जा को बनाने के लिए क्या क्या लिए। मैंने थोड़ा से कॉर्न के दाने लिए, एक टमाटर लिया जिसको मैंने चॉप कर लिया बड़ा बड़ा, आधी शिमला मिर्च लिए उसको भी मैंने चॉप कर लिया। ये फ्रेंड्स मैंने सॉस बनाई है पिज्जा के लिए। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस डाली है और 2 टेबलस्पून ही मैंने टमाटो केचप ऐड कर दिया। आपके पास अगर पिज्जा सॉस है तो आप वो यूज कर सकते हैं। ये मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स लिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली, अगर वो बच्चे चिली खाते हैं, अगर उनको मिर्च खाना पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स ऐड कीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने पिज्जा सीजनिंग लिए और ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया। हम पिज्ज़ा बेस को कुक होने देते हैं 4 से 5 मिनट तक। फ्रेंड्स, लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बेस हमारा कुक हो गया। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और थोड़ा सा हम साइड्स में भी डाल देंगे। और अगर हमारा बेस नीचे से ब्राउन हो गया तो हम इसे पलट देंगे। चेक कर लेते हैं इसको हम। अभी हमारा बेस नीचे से ब्राउन नहीं हुआ है तो हम इसे 1 से 2 मिनट तक और कुक होने देते हैं। ढककर रख देते हैं इसको लगभग 2 मिनट तक ताकि ये नीचे से ब्राउन हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बेस जो है हमारा नीचे से ब्राउन हो गया तो हम इसे पलट लेंगे। आप देख सकते हैं बेस हमारा बिल्कुल ब्राउन हो गया। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और सबसे पहले हम इस पर ये सॉस लगाएंगे। आप सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ज्यादा खानी है तो आप ज्यादा यूज कीजिए, अगर आपको कम लगानी है तो आप कम लगाइए। और फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स भी जो मैं यूज कर रही हूँ, ये जरूरी नहीं आप वही यूज करें, आपको जो पसंद हो, जो भी सीजनल मिल जाए आपको, जैसे मशरूम वगैरह भी मिलता है, आप मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। आप कैप्सिकम दूसरे कलर्स की ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कीजिए। अब मैं इस पर चीज डालूंगी। फ्रेंड्स, ये मोज़रेला चीज है
और मोज़रेला चीज़ ही इस पर अच्छा लगता है पिज़्ज़ा पर। आजकल मार्केट में ग्रेट किया हुआ मिल जाता है। अब हम इस पर वेजेस लगा देंगे। अब मैं इसमें स्वीट कॉर्न डालूंगी थोड़ा सा, और अब फिर से मैं इस पर थोड़ा सा चीज डालूंगी। अब मैं इस पर थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। फ्रेंड्स, अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और फ्लेम को मैं फिर से लो टू मीडियम रखूंगी लगभग 3 मिनट के लिए। इसको हम ढककर कुक करेंगे और फिर 3 मिनट के बाद मैं इसको लो फ्लेम पर तब तक इसको पकाएंगे जब तक कि हमारा चीज अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको लो टू मीडियम रखा था फ्लेम को। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर दूंगी और लगभग 6-7 मिनट लगेंगे इसको पकने में, तो हमें चीज को मेल्ट होने देना है, फिर हम इसको सर्व करेंगे। 7 मिनट हो चुके, पिज्जा हमारा बनकर रेडी हो गया। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। पिज्जा को मैंने प्लेट में निकाल लिए। अब मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ इसका एक पीस काट कर। देखिए कैसा बना है, आप देख सकते हैं पीछे से इसका क्रस्ट बिल्कुल अच्छे से बना है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।